हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अल्फ़ाबेट टेस्ट का अगला पार्ट यानी कि पार्ट थ्री पढ़ेंगे। पार्ट वन और पार्ट टू हम लोगों ने लाइव क्लासेस में कवर कर लिए थे, तो पार्ट थ्री में आज हम लोग क्या नया पढ़ेंगे। पार्ट थ्री में हम लोग लेटर गैप पढ़ेंगे, लेकिन लेटर गैप आखिर होता क्या है, तो चलिए देखते हैं कि लेटर गैप क्या होता है। लेटर गैप प्रॉब्लम्स में आपको एक वर्ड दिया जाएगा और उस वर्ड में बोला जाएगा कि फाइंड आउट द पेयर ऑफ लेटर्स जिनके बीच में उतने ही लेटर हों जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि सपोज ये हमको एक वर्ड दिया है माउथ। अब इसमें ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है, उतना ही बीच में लेटर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। जैसे एम और ओ, तो अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो क्या आता है, एम एन ओ, तो ओ और एम के बीच में एक लेटर है, लेकिन यहाँ पे एक भी लेटर नहीं है तो ये पेयर नहीं हो सकता। इसी तरीके से हमको ढूंढना है, तो हमको देखो क्या दिखेगा। एक तो दिख रहा है यू और टी, एस टी यू, टी यू के बीच में कोई लेटर नहीं है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। इसी तरीके से इस वर्ड माउथ में भी नहीं है, तो एक पेयर हमारा ये हो गया और कोई पेयर हमको नहीं दिख रहा है इसमें। आप चेक भी कर सकते हैं, तो हमारा आंसर हो गया वन। बात समझ आ गई, क्लियर है, आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन द वर्ड बकेट विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो अब हमारे पास वर्ड है बकेट। आप लोग भी इसको वीडियो को पॉज करके सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर मेरे साथ में मैच कर सकते हैं। तो चलिए बकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं कि इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है। तो ए बी सी, बी और सी के बीच में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कोई भी गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक गैप है, इसका मतलब ये पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सी डी ई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सी और ई के बीच में एक गैप है, तो यहाँ भी सी और ई के बीच में एक गैप है, इसका मतलब एक पेयर हमारा ये हो गया। अच्छा, और कोई यू टी में, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने देखा था कि यू टी के बीच में कोई गैप नहीं होता इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, लेकिन यहाँ पे वन टू थ्री का गैप है, इसलिए ये नहीं हो सकता है। और कुछ दिख रहा है के का टी से, नहीं दिख रहा है, और कोई गैप नहीं दिख रहा है, तो इसमें हमारा इसका आंसर भी हमारा वन हो जाएगा। ये एक कोइंसिडेंट है कि दोनों के आंसर वन है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हर एक क्वेश्चन का आंसर वन आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैरट। पैरट में हमको लेटर्स गैप ढूंढना है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। पैरट, तो वीडियो को पॉज करिए और आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए इसकी, फिर मेरे साथ में मैच करिए कि आप सही कर रहे हैं या गलत। तो चलिए मेरे साथ में मैच करिए तुरंत। अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा तुरंत ये हमने बोल दिया कि मैच करिए, वीडियो पॉज आप करेंगे तो उसके थोड़ी देर बाद आपको सुनाई पड़ेगा कि आइए मैच करते हैं। तो पैरट, पैरट में चलिए ढूंढते हैं। देखो आर एस टी, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट में है, तो आर और टी के बीच में एक गैप है, यहाँ भी आर और टी के बीच में एक गैप है, तो हमारा ये ऑप्शन हो गया एक पेयर। दूसरा P Q R, P और R के बीच में एक हमारा गैप है, तो यहाँ भी P और R के बीच में एक गैप है, और कोई हमको ऐसा पेयर इसमें नहीं मिलेगा जिनके बीच में उतना ही गैप हो जितना इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया हमारा टू। क्लियर है, समझ आ गया, आगे बढ़ें। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर। वीडियो को पॉज करके
आप कंप्यूटर में भी वही लेटर गैप ढूंढिए कंप्यूटर के लेटर्स के बीच में जितना कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है, एंड देन आफ्टर आप मेरे साथ में मैच करिए। तो चलें स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कंप्यूटर। चलो अब देखते हैं, अगर सी और ओ का तो कोई देखेगा नहीं, आपको थोड़ा सा जज भी कर लोगे आप इस चीज़ को। सी और ओ का थोड़ी कोई हम कर सकते हैं, क्योंकि सी और ओ के बीच में तो बहुत गैप है। यहाँ पे तो तुरंत लिखा है, जस्ट आफ्टर सी लिखा है ओ। एम और पी का हो सकता है क्या? एल एम एन ओ पी, एम और पी के बीच में भी कई गैप है, तो यहाँ भी नहीं हो सकता। अच्छा यू टी वाला देखो, हम लोग अभी लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो यू टी वाला तो हमको एक तरीके से याद हो गया हम लोग को। तो एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा अभी एक और किया था हम लोगों ने, आर एस टी, आर और टी के बीच में एक गैप है, ये भी है, तो ये दूसरा हो गया हमारा। और कोई दिख रहा है? और कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि सी डी ई एक गैप होता है यहाँ पे, सी और ई के बीच में कई सारे गैप हैं, इसलिए इसका मतलब आप चेक करेंगे तो इसमें केवल दो ही पेयर आपको मिलेंगे, तो इसका आंसर भी हो गया टू। ठीक है, बात समझ आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द टू लेटर्स। अच्छा अब इसमें आपको ये बोल दिया गया है टू लेटर्स, इसका मतलब ये चीज कंफर्म हो गई कि इसमें दो ही लेटर हैं केवल। तो फाइंड द टू लेटर्स इन द वर्ड, टू लेटर्स कौन से? टू लेटर्स ऐसे जिनके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश लेटर के इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। तो ये तो हमको मालूम पड़ गया, ये तो अच्छी बात हो गई, हिंट मिल गया। तो फाइंड द टू लेटर्स इन द वर्ड एक्स्ट्रा विच हैव एज मैनी लेटर्स बिटवीन दैम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इतना तो ठीक है, दो लेटर पहले हम निकाल लेते हैं इससे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्स्ट्रा। तो ए बी सी, अच्छा उल्टा लिख रहे हैं हम, चलो ठीक है, ए बी सी डी एंड ई, ए और ई के बीच में कितने हैं? वन टू थ्री, वन टू थ्री, इसका मतलब एक पेयर ये हो गया। एक पेयर का मतलब दो लेटर उन्होंने बोला है, तो दो लेटर हमारे हो गए और कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, तो हमारे पास कौन कौन से लेटर आ गए? ई एंड ए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है वो, इफ These two letters are arranged in alphabetical order, which letter will come second? Alphabetical order हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि उसको हम लोग alphabetical order में, जो English ABCD में जो order है letters का, उसी letters के sequence को बोलते हैं alphabetical order। तो alphabetical order में अगर इनको लिखेंगे तो which will come second, तो ये तो बहुत easy है, second कौन आएगा? E आएगा, तो answer is E। तो हमारा option हो गया A। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा लेटर गैप, अल्फाबेटिकल टेस्ट का, अल्फाबेट टेस्ट का लेटर गैप टॉपिक हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको वर्कशीट हमारे ऐप मी एंड मैथ के ऐप में मिल जाएगी। उस मी एंड मैथ के ऐप का अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, वेब वर्ज़न और मोबाइल वर्ज़न, यानी गूगल प्ले स्टोर से जो आप डाउनलोड करेंगे, दोनों का ही लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वर्कशीट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।